खबरें अभी तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आज पहली लिस्ट जारी की जाएगी। सूत्रों के हवाले से हमने खबर आपको दी थी और इस खबर पर मोहर लग गई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। फतेहपुर से डॉक्टर राजन सुशांत को उम्मीदवार बनाया गया है। खबरें तक के संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर हैं। अनिल, इससे पहले सूत्रों के हवाले से हमने जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है और पहली लिस्ट जारी कर दी गई है हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? तो पहली लिस्ट आ चुकी है। इससे पहले इसी बुलेटिन में हमने बात की थी कि पहली लिस्ट आज आ सकती है आम आदमी पार्टी की और पहली सूची जारी कर दी गई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहली लिस्ट है ये, किसी भी दल की हम बात कर लें। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये लिस्ट जारी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर, ये प्रति आपको दिखा रहा है खबरें अभी तक। तो पहली लिस्ट उम्मीदवारों की, अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है हिमाचल के लिए। बिल्कुल, देखिए खबर तक की खबर पर मोहर लग चुकी है। खबर तक ने सुबह ही बता दिया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पहली लिस्ट की घोषणा की जाएगी और आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। चार उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने, चार उम्मीदवार बनाए गए हैं। फतेहपुर से जो है डॉक्टर राजन सुशांत को टिकट दी गई, तो नगरोटा से उमाकांत डोगरा को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं अगर बात करें पौंटा शाहिद, वहां से मनीष ठाकुर पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा को एक टिकट दी गई। अब सुबह ही बता दिया था कि आम आदमी पार्टी आज अपनी लिस्ट की अनाउंसमेंट करेगी। पहली लिस्ट आज चार उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है और खबर पर मोहर लग चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल मोर, ये पूरी जानकारी आपने दी। ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, चार हलकों के लिए ये उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हमारे साथ शिमला से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, इसी बुलेटिन में हमने बात की कि आज पहली लिस्ट आने वाली है आम आदमी पार्टी की, पहली लिस्ट आ चुकी है। आप विस्तार से बताएं कि चार सीटों को लेकर जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं उनका क्या कुछ प्रोफाइल है और उनको ही क्यों चुना गया है। हमने पहले भी जानकारी साझा की थी कि 2 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और उसमें अब लिस्ट जारी हो चुकी है चार सीटों पर। फिलहाल अभी चार सीटों पर ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं और उसमें जो मेन फोकस हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने रखा है वो कांगड़ा जिला की फतेहपुर सीट है। यहाँ से हाल ही में आम आदमी पार्टी में इन्होंने वापसी की थी। पहले ये आम आदमी पार्टी का संयोजक, आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में भी रहे हैं राजन सुशांत और ये लोकसभा के भी कांगड़ा चंबा से सदस्य रहे हैं और उनके साथ साथ पूर्व मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में और एक बड़ा नाम रखते हैं कांगड़ा में, क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे वहां भी इन्होंने उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। तो आम आदमी पार्टी ने इनको कैंडिडेट बनाया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़े चेहरे को, एक बड़ा चेहरा यहां पर जो है अनाउंस किया गया है फतेहपुर सीट से। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में मनीष ठाकुर चले गए थे, उनको भी कैंडिडेट बनाया गया है और पांवटा साहिब से इनको टिकट दिया गया है। तो ये दो बड़े नाम हम कह सकते हैं। इसी तरह से लाहौल स्पीति से भी टिकट जो है वो अनाउंस हुआ है और नगरोटा बंगवा से भी टिकट अनाउंस हुआ है। तो चार सीटें, इन चार सीटों पर बड़ी सीटें हैं ये। और अगर पांवटा साहिब की बात करें तो वहां से वर्तमान में मंत्री हैं सुखराम चौधरी और हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम है उनका भी, तो वहां से कैंडिडेट इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसी तरह से जो लाहौल स्पीति से टिकट दिया गया है, कैंडिडेट जिनको बनाया गया है, यहां पर डॉक्टर रामलाल मारकंडा वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, तो उनके खिलाफ जो है हम कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल के खिलाफ एक नाम यहां पर जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में चार कुल मिलाकर ये कैंडिडेट घोषित हुए हैं और अब देखना ये है कि जो पहली लिस्ट ये जारी हुई है, दूसरी लिस्ट कब जारी की जाती है। बिल्कुल, ये भी देखना होगा। साथ ही प्रदीप, चूंकि हिमाचल की राजनीति की समझ आप रखते हैं और अब चूंकि चुनाव है तो हर तरह की हलचल जारी है, सभी जीत के दावे करेंगे। पहली लिस्ट आ गई है, आम आदमी पार्टी भी चारों सीटों पर अभी जीत के दावे करेगी, लेकिन चारों उम्मीदवारों को लेकर हम बात करें, क्या टक्कर देने की स्थिति में है या फिर जीत की स्थिति में भी है, कोई मुकाबला हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल के लिए नई है अभी। Yeah.
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में नई है और नई नवेली पार्टी है, शुरुआत कर रही है हिमाचल में अपना जनाधार बढ़ाने की। यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें मिले, ये आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन राजन सुशांत को हम कह सकते हैं कि वो एक बड़ा नाम है, और अभी जो चुनाव भी हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास देखा गया है। और बड़ी बात ये है कि वो भाजपा से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो ऐसे में उनका नुकसान अगर सीधा सीधा किसी को होगा वहां, तो वो भाजपा को ही होगा। हालांकि उनके साथ जो वोट बैंक है वो उपचुनाव में दिख चुका है, तो ऐसे में इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो उनके साथ उपचुनाव में वोट गया है वो कोशिश करेंगे कि इस बार भी वो वोट बैंक उनके पास ही रहे, ये उनकी कोशिश रहेगी। और उसके साथ साथ जीत के लिए उन्हें कांग्रेस भाजपा का जो वोट बैंक है उसको तोड़ना होगा, तो ये उनके पास एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और उसके साथ साथ मनीष ठाकुर ये कांग्रेस से रहे हैं, और एक हम कह सकते हैं कि हिमाचल में एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता के, युवा कांग्रेस वर्कर के तौर पर इनको जाना जाता रहा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा अगर कोई नुकसान किसी को पहुंचाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को पांवटासाही में नुकसान पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ अगर लाहौल स्पीति की बात करें और नगरोटा बगवा की बात करें, तो यहाँ भी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को यहाँ नुकसान पहुंचने वाला है। तो ऐसे में ये चारों जो सीटें हैं उससे एक मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है कि हम टक्कर देने के मूड में इस वक्त है। अब देखना यह है कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा प्रदीप, ये संदेश दे दिया गया है कि हम तो तैयार हैं, अब दूसरी लिस्ट कब आती है, दूसरे दल अपनी सूची कब तक जारी करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, ये जानकारी इस खबर से जुड़ी आपने देखी।